आज संयुक्त छात्र संघ हिसार की ओर से हमें ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में कुल 8 मांगे रखी हुई है। इन 8 मांगों में जो प्रमुख मांग रखी है, अग्निपथ योजना 2022 को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, रुकी हुई भर्तियां पूरी की जाए, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की भर्तियां रुकी हुई है इन्हें पुरानी योजना के अनुसार ही पूरा किया जाए। इस प्रकार से कुल 8 जो मांगे संयुक्त छात्र संघ की ओर से रखी गई है, ये सभी मांगे सरकार की स्तर की है और हम ये सारी मांगे सरकार के पास तुरंत भिजवाएंगे। सोसाइटी में पीसफुल प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की करेगा तो वो बिल्कुल किसी के लिए भी उचित नहीं रहेगा। आपकी जो मांग है, 8 मांगे हमने नोट की है, सारी डिमांड हम सरकार के पास भेजेंगे और आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखेंगे। मैडम जी, 3 बार भी ज्ञापन दिया उसका और न्यूज पे हम देखने वाले सारे दर्शक ना भाई, इमान सुधवन की राम राम। जो है फिलहाल हम जो है डीसी कोर्ट मतलब कोर्ट के बिल्कुल आगे पहुंच चुके हैं और फिलहाल कोर्ट में अंदर जो है एंट्री की जाएगी और लघु सचिवालय के बाहर फिलहाल हम जो लघु सचिवालय के बाहर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो और जो हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं उनसे भी बातचीत करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कुछ प्रोसेस है आज का भाई साहब? आज का ये प्रोसेस है, डीसी साहब तो मिलांगे ही बुरा है। हाँ भाई, ठीक है भाई, अपने अकांग खातर लड़ा। हाँ, 4 साल की फौज में भाई, कोई माँ आपका लाल न घूमे जो 4 साल मरण खातर मेरे भाई। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ये जी आज बहुत बड़ा रोष युवाओं के द्वारा प्रकट किया जा रहा है और जो पहले तो इस सरकार ने किसानों की हत्या करने का काम किया और अब किसान के बेटे की हत्या करने का काम जो है ये सरकार कर रही है। जल्दी से जल्दी जो कानून लागू किए गए हैं, जो ये DOD वापस लिए DOD दी जाए और ये कानून वापस लिए जाए, यही हमारी मांग है। वरना इस आंदोलन को भारतवर्ष में बहुत बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि जो DC के ऊपर ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है और इतने युवा एक साथ आ जाए हैं और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो सामने कोर्ट दिखा रहा है और साथ में पुलिस प्रशासन भी यहां पर जो है सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। युवा की लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो है आप देख सकते हो बिल्कुल जो है कोर्ट लघु सचिवालय के बाहर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो तो लगातार जो है संख्या बढ़ती ही जा रही है।